सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग बस्ती उत्तर प्रदेश में हैं और आज हमारे साथ प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं कवि, निबंधकार और संपादक अष्टभुजा शुक्ल जी। जनसुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन शुक्ल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप में से कई लोग अवगत हैं कि अष्टभुजा शुक्ल जी का जन्म 8 अक्टूबर 1957 को हुआ, जनपद बस्ती के दीक्षापार गांव में। कवि के रूप में प्रसिद्ध अष्टभुजा शुक्ल जी के कविता संग्रहों के नाम हैं चैत के बादल, पद कुपद, दुःस्वप्न भी आते हैं, इसी हवा में अपनी भी दो चार सांस है और नवीनतम कविता संग्रह रस की लाठी। शुक्ल जी के अब तक ललित निबंधों के दो संग्रह प्रकाशित हैं, मिठौआ और पानी पर पटकथा। अष्टभुजा शुक्ल जी ने कुछ संपादन से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें उल्लेखनीय है हम सभी के प्रिय कवि त्रिलोचन जी की अवधि में बरवे छंद में लिखे गए कविता संग्रह अमोला का संपादन। अष्टभुजा शुक्ल जी का यह कार्य अमोला की किसली नाम से हम सभी के बीच है। इसके अतिरिक्त ललित निबंध अवधारणा और सृजन नाम से भी इनकी एक संपादित पुस्तक हम लोगों की निगाह से गुजरी है। एक और खास किताब अपने जनपद से जनपदीय कवि के जुड़ाव की किताब, उसका नाम है बस्ती अतीत से वर्तमान तक। इस पुस्तक का भी संपादन अष्टभुजा शुक्ल जी ने किया है। आज मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से हम अनुरोध करते हैं अष्टभुजा शुक्ल जी से कि अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बतलाएं, अपने बचपन को लेकर, अपने गांव को लेकर जहां वे सुदीर्घ अवधि तक रहते आए। अमूमन 60 वर्षों तक वे अपने उस गांव में रहे, यहीं बस्ती से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर, उसके बारे में कुछ बतलाएं और तदुपरांत हम इनसे एक ललित निबंध भी सुनेंगे। पहले स्वयं कवि की ओर से उसकी पृष्ठभूमि को जानते समझते हैं। आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी, बहुत बहुत आभार जनसुलभ पुस्तकालय का। जनसुलभ पुस्तकालय ने देश के साहित्य, संस्कृति, कला के अनेक क्षेत्रों में पदार्पण किया है और बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से प्रस्तुतियां हमारे सम्मुख रखी हैं। जैसा कि अर्पण कुमार जी ने बताया कि जन्म से लेकर 60 वर्षों तक, यानी जीवन का महत्तम समय मैंने अपने गांव दीक्षापार में गुजारा। दीक्षापार यहां जनपद मुख्यालय बस्ती से कोई 30 किलोमीटर के आसपास पूरब की ओर पड़ता है, जहां कम से कम 10-15 साल पहले तक कोई रास्ता ही नहीं होता था। और वस्तु स्थिति यह भी है कि अनेक प्रकार के तमाम विकास जैसी चीजों के बावजूद हमारे गांव तक गई हुई सड़क से मेरे घर तक कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, ऐसे ही रास्तों पर
मैं भी चलता रहा हूं, यह जीवन भी चलता रहा है, और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का प्रयास किया है वो भी इन्हीं पगडंडियों जैसा ही है। बचपन में हमने यह भी नहीं जाना ठीक से कि विद्यालय क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। एक औपचारिकता के तहत हमारा नाम प्राइमरी विद्यालय में लिखा दिया गया था, कोई अभिभावक वहां नाम लिखाने तक नहीं गया हुआ था, जैसा कि प्राय हुआ करता था पहले। आसपास न कोई बड़ा नगर था, न कोई बड़ा शहर था, न कोई बड़ा कस्बा था। मतलब जैसे कि कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, और उन गांवों की दशा और दुर्दशा कैसी रही है, उन सारे ही परिस्थितियों के बीच, उन्हीं परिवेशों के बीच हम लोगों का जीवन पला बढ़ा। तो सामने खेत थे, बाग बगीचे थे, हरियाली थी, लेकिन पेड़ों के फल थे, जामुन थे, आम थे, कोई बहुत नया फल नहीं पहुंचा हुआ था गांव तक। खेती पारंपरिक ही थी हम लोगों के यहां, बहुत थी, परिवार मेरा बहुत बड़ा था, संयुक्त परिवार। उसके बीच मुश्किल से मुझे लगता है कि 16-18 बीघे की खेती रही होगी, और कम से कम 45 सदस्यों का पूरा कुनबा। और अब तो स्थिति यह है कि हम लोग भूमिहीनों की श्रेणी में आ गए हैं लगभग। मेरे हिस्से में शायद 2 बीघा कुल खेत होगा। तो जहां से जीवन शुरू हुआ था, और फिर एक छोटी सी चाकरी संस्कृत पाठशाला की हुई, उसी के जरिए जीता रहा। हमारे यहां एक बात इस खेती के साथ यह भी थी कि पारंपरिक रूप से संस्कृत विद्या के प्रति अनुराग था, और मेरे बड़े पिताजी उस समय उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की उपाधि अर्जित की थी। बाद में मेरे भाई साहब श्री बुद्ध सागर शुक्ल जी ने भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में ही आचार्य किया। तो घर में संस्कृत की पुस्तकें थी, ज्योतिष की पुस्तकें थी, पुराणों की पुस्तकें थी, साहित्य था। और जाने क्या था कि साहित्य के प्रति, कविताओं के प्रति कुछ लगाव अधिक ही था। एक बात और थी वातावरण में कि हम लोगों के गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ होता था, गा करके ढोलक पर और हारमोनियम पर और मजीरे के साथ गाया जाता था, हम लोग भी उसमें शामिल हुआ करते थे। याद आ रहा है कि हमारे पिताजी ढोलक बजाते थे उसमें, और एक थे वो मास्टर चाचा हम लोग कहा करते थे, अवध किशोर शुक्ला उनका नाम था। और एक पुराने लोगों में थे हरनायक शुक्ला बाबा, हम लोगों के गांव के लगते थे। तो ये लोग गांव में ही गाते थे, लेकिन उनका जो सुर होता था, उनके पास जो संगीत की समझ थी, वो सब अगर उन्हें कोई प्लेटफार्म मिला होता तो वो बड़े से बड़े संगीतज्ञ हो सकते थे। लेकिन गांव की बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे ही गांव में, गांव की जड़ों को सींचती हुई, उन्हें ही खाद पानी देती हुई, सींचती हुई इस देश की सांस्कृतिक उर्वरा को बढ़ाती रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनके कोई नाम तक नहीं जानते। अब जो है तकनीकी के विकास के साथ साथ बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे संसाधन जो हमारे सामने आ गए हैं, इनसे तो अगर आदमी कोई पैदा होता है तो लगता है कि वो संस्कृति में ही पैदा होता है, और तुरंत ही वो एक बड़े से वृक्ष में पता नहीं कैसे तब्दील हो जाता है।
और सारा जीवन खपा करके तपस्या करके लोग अपनी खेती बारी करते हुए भूखे प्यासे रहते हुए वो लोग संस्कृति को जीते थे पूरी तरह से। तो जैसा कि मैंने कहा बगल की पाठशाला में हम लोगों का दाखिला हुआ। और एक बात और थी कि हमारे यहां घर का जो पुस्तकालय था वही था, बाकी आसपास इस जनपद मुख्यालय पर बस्ती में एक राजकीय पुस्तकालय भर हुआ करता था जिसका हम लोगों ने कभी सपना भी नहीं देखा था। पढ़ाई वही पेड़ों के नीचे और अध्यापकों के डंडों के साथ और वही पटरी और उस पर खड़िया से दुद्धि से लिखने की परंपरा थी। खैर वो सब बीती बातें हैं। इन्हीं पगडंडियों से होता हुआ और आज भी जहां तक मैं पहुंचा वो लगता है कि वहां भी कोई पगडंडी ही है, कोई राजपथ हमारे यहां साहित्य संस्कृति का नहीं। तो बातें बहुत विस्तार से करने का यहां अवसर भी नहीं है। शिक्षा दीक्षा भी घूम घुमा करके कभी संस्कृत माध्यम तो कभी हिंदी माध्यम से होती रही, एक तरह से समानांतर शिक्षा ही हुई। पर इससे दो चीजें थी, एक तो संस्कृत के प्रति जो एक प्रकार का पारंपरिक अनुराग था वो बना हुआ था या बना हुआ है, और दूसरे हम लोगों की पूंजी जो नन्ही सी खेती रही है। तो ये पूरा जो है किसान जीवन और थोड़ी सी संस्कृत भाषा ये कुल मिलजुल करके जो कुछ भी हमसे संभव हुआ है लिखने में पढ़ने में, और मुझे लगता है कि वह अपर्याप्त क्या बल्कि बहुत ही छोटा सा कोई विवरण हो सकता है मेरी पढ़ाई लिखाई का। तो ये लेकिन मुझे बहुत अपार स्नेह मिला हुआ है, मैं कृतज्ञ हूँ हिंदी जगत का लोगों का कि मेरे इस मामूली से सृजन को इतना अपार प्यार लोगों ने सौंपा है। इस नाते चूंकि बहुत विस्तार से बात करने का अवसर नहीं है, मैं कविताओं के साथ साथ एक शुरू से ही कुछ ललित गद्य जैसी अवधारणा हमारे यहाँ भी रही है। दंडी ने, महाकवि दंडी ने तो गद्य की उस परंपरा का बहुत बड़ा पुरस्चरण किया है। बाण भट्ट संस्कृत के धुरीड़ गद्यकार रहे हैं और हिंदी में भी बाद में बहुत से लोगों ने। तो उसको लेते हुए कभी कभी जब कविता से उपराम होता हूँ तो मैंने कुछ निबंध लिखने की भी कोशिशें की हैं। तो आज मैं इस जनप सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर मैं इस अपने निबंध संग्रह पानी पर पटकथा के शीर्षक के एक छोटे से निबंध का पाठ करता हूं। निबंध का शीर्षक है दिक और काल के बीच। जी स्वागत। किसी ने कहा है कि सूरज पूरब में हो, कहने से ज्यादा सटीक यह है कि जिधर सूरज उगता है वही पूरब, अर्थात सूर्य किसी दिशा का बंधक या मोहताज नहीं बल्कि उसका निर्धारक है, उसी से दिशाएं निर्धारित और नामनी होती हैं। लेकिन यदि हम सूर्योदय को गौर से देखें तो सीधे पूर्व की दिशा के बजाय थोड़ा अगल बगल से झांकता नजर आता, किंचित दक्षिणोन्मुखी अथवा किंचित उत्तरोन्मुखी, अर्थात उगता हुआ सूरज एक साथ तीन दिशाओं का लाडला है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। ज्योतिष विद्या में इसे ही सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण होना कहते हैं। कहते हैं कि वर्ष भर में 6 महीने सूर्य दक्षिण दिशा की 6 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है, तो शेष 6 महीने उत्तर दिशा की
शेष छह राशियों पर। श्रीमद् भगवद गीता में दक्षिणायन दक्षिणायन एवं उत्तरायण का अरिष्ट काल और अभीष्ट काल इस प्रकार वर्णित है। अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। धूम्रो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। आशा यह है कि उत्तरायण के जिन छह महीनों के मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि दिन का और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी उन्हीं देवताओं द्वारा ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, तथा दक्षिणायन के जिन छह महीनों में धूमाभिमानी रात्रि अभिमानी तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्मयोगी स्वर्ग में अपने सुकर्मों का फल भोग कर जन्म मृत्यु के प्रपंच में पुनः लौट आता है। सर्वविदित है कि कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म समीप आई हुई मृत्यु को इसलिए वेटिंग लिस्ट में खड़ा कर देते हैं कि सूर्य दक्षिणायन में होने से अरिष्ट काल है, अतः उत्तरायण का अभीष्ट काल प्रतीक्षित है। जीते जी तो आदमी ग्रह नक्षत्र अनुकूल चाहता ही है, दुर्घट में या असमय मरना भी नहीं चाहता। मरने में भी ठीक ठाक ग्रह गोचर के अभीष्ट काल की ही कामना करता है, अर्थात जीने या मरने से भी अधिक वांछित और श्रेयस्कर है अभीष्ट काल, हर प्रकार से अनुकूल समय। किंतु आज हम जिस समय में सांस ले रहे हैं वह दुर्घट और असमय मृत्यु का प्रतिकूल समय है। प्रकारांतर से मृत्यु की प्रतिकूलता ही जीवन की प्रतिकूलता है। यदि मृत्यु अंतिम सत्य है तो प्रारंभिक सत्य है जीवन, और जीवन के ही ग्रह नक्षत्र इतने डगमगाए हुए हैं कि जिसे जहां होना चाहिए वह वहीं के अलावे हर जगह है, जिसे जो करना चाहिए वह कुछ और कर रहा है। अल्ट्रासाउंड व्याधियों को चिन्हित करने के बजाय भ्रूण परीक्षण में जुटे हैं, कपड़े तन ढकने के बजाय झंडे बन रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा प्रेम के बजाय आनर किलिंग को उकसा रहे हैं, अनाज क्षुधातुरों का पेट भरने के जगह गोदामों में सड़ रहे हैं, धूमाभिमानी रात्रि और कृष्ण पक्ष अभिमानी देवताओं से आक्रांत 12 महीने सूर्य दक्षिणायन में है, जबकि बचे हुए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा में रो रहे हैं। पूर्वजन मरने के लिए भी अभीष्ट काल की प्रतीक्षा में है, जबकि उत्तरजन जीने के ही अनिष्ट काल में हाँफ रहे हैं। फिर भी पूरा विश्वास है कि माघ मकर गत रवि जब हुई तब कर्ज कुआम लेकर झोरा बोरा ढोकर रेती में सोकर तीर्थपत प्रयाग में संगम की डुबकी से सारे पाप कट जाएंगे। पुण्यकाल का उदय होगा, सूर्य क्रमशः तेजतर होगा और ऋतु वसंत की आहट मात्र से सब कुछ मधुमय हो जाएगा। चैन और सुख की नींद सोने लगेगी यह सृष्टि। इस सृष्टि की आंख पूरब में ही खुलती है, इसे मानने के लिए पश्चिम भी बाध्य है, लेकिन पूर्व दिशा में उगते उस सूर्य का पता ठीक आगना खोजने के अभियान और अभिमान में यदि आप उदयाचल की चोटी रौंदने लगे तो सूर्य उससे भी पूरब खिसक जाएगा। यानी कि सूर्य पूर्वा पूर्व है, वह हमारी पकड़ से बाहर किंतु साक्षात बरकरार है। उसे पकड़ने का हर प्रयास आत्महंता, लेकिन उसे देखने की जरूरत हर सांस को है। कुछ उत्तर दक्षिण होना उसकी गतकी में शामिल है। राशियों की संक्रांत के चक्कर में भी वह कदाचित आ सकता है। फिर भी वह पृथ्वी लोक से हमारे भूगोल से सर्वाधिक प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला सौर मंडल का शिरोमणि है। उसने इस पृथ्वी लोक को इतना दिया है जिसकी बदौलत यहाँ के निवासी आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। लोग अपने लिए हलकान रहते हैं, अपने कुटुंब के लिए चिंतित रहते हैं, अपने समाज के लिए व्यग्र रहते हैं, स्वजात के लिए बेचैन होते हैं, सगोत्री प्रेम
और संयोग के दिन भी नाति दूर हैं। ऐसे अपनी अपनी के दिनों अपनी अपना के दिने दिना दिनों में भला अपने गोल को छोड़कर दूसरे गोल के लिए अपने लोक के अलावे दूसरे लोक के लिए दिशा दिशा आयन आयन रास रास चक्कर काटता हुआ उत्तरायण के सौम्यायन में पहुंच जाने का द्राविड़ प्राणायाम कौन करना चाहता है। लेकिन सूर्य है कि खगोल से भूगोल को धन्य कर रहा है, धीरे धीरे रात को छोटा और दिन को बड़ा कर रहा है, खरमास को वरमास में बदल रहा है। कोई पंचांग उठाए या कैमरा, ऋतु संहार लिखे या जातक का भाग्यफल, ज्योतिषी बने या भविष्यवक्ता, कवि बने या किसान, संक्रांति को रक्त क्रांति समझे या श्वेत क्रांति या हरित क्रांति, भूगोलविद हो जाए या खगोलविद, पर्व हमें ऐसे ही क्रांतिक परिवर्तनों के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इन अवसरों से चूक जाना हमारे पर्वों की निस्सारता नहीं बल्कि हमारे मनों में बैठे आदित्य का दक्षिणायन हो जाना अथवा खगोल में विचरते पारंपरिक आकर्षण विकर्षण से ज्योतित नक्षत्रों को अपने कमरों में बल्ब की तरह टांग लेने की महत्वाकांक्षाओं की अहमन्यता का राशिफल है। लेकिन पितामह लोग भले ही ग्रह नक्षत्रों के अंधविश्वासी रहे हों, मरने के वक्त भी अभीष्ट काल की प्रतीक्षा में घटकाए बैठे हों, दर्जन भर राशियों के भरोसे स्वर्गवास के मोह में फंसे हों, किंतु वंशज लोग उन ग्रह नक्षत्रों पर अब राज करने को ठाने हुए हैं, चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, मंगल का दौरा कर आए हैं, अंतरिक्ष की प्लाटिंग में जुटे हुए हैं, प्रदत्त भूगोल से असंतुष्ट हैं, वह भी सिर्फ दो राशियों की बिना पर, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उनकी काल की भी अवधारणा बदली हुई है और दिक की भी। वे न सूर्य को काल निर्धारक मानना चाहते हैं न पूर्व को प्रारंभिक दिशा, वे खगोल भूगोल एक कर देने पर आमादा हैं। उन्होंने सूर्य की ओर आकाश में देखने के बजाय धरती में गड़े चुंबक को पकड़ लिया है, उस सबसे बड़े चुंबक को जिससे हमारे विज्ञान सम्मत समय ने दिशा निर्देश लेना शुरू कर दिया है। है न उल्टी गिनती शुरू, कहां गगन मंडल में विचरता सूर्य और कहां धरती में गड़ा चुंबक। लेकिन यह चुंबक एक मुर्दा आकर्षण है जिसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है। इसका सत्यापन हम कहीं भी अपनी जेब से दिक्सूची की डिबिया निकाल कर सकते हैं। डिबिया की दिक्सूची पर अंकित यन नॉर्थ और यह साउथ की दिशा से धरती में गड़े चुंबक की सौ साधना समझते हमें देर नहीं लगेगी, अर्थात हमारे आधुनिक काल की प्रमुख दिशा है उत्तर। यह एक नए तरह का उत्तरायण है जिसमें कुछ भी पूर्वाभिमुख नहीं, प्रत्युत सब कुछ उत्तराभिमुख है। सिर्फ उत्तर दक्षिण तक महमूद इस दिशा क्रम में दिग्भ्रम होने से दिशा विदिशा हो सकती है और विपरीत ध्रुवी चुंबकीय आकर्षणों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए लोहा बन जाना ही एकमात्र अर्हता। सावधान की कबाड़ी गली गली घूम रहे हैं। हकीकत यही है कि हर कोई घूम रहा है, कोई घूर्णन गति से तो कोई पलायन बेग से, कोई कुर्सी पर तो कोई पार्क में, कोई धरती पर तो कोई अंतरिक्ष में, कोई अपने कक्ष में तो कोई अपनी कक्षा में, कोई अपने अक्ष पर तो कोई अपने पक्ष पर। पर हर कोई इतना आत्मकेंद्रित है कि दूसरी ओर देखने की न किसी के पास फुर्सत है न जरूरत, क्योंकि यह उत्तर आधुनिक काल है, पूर्व पौराणिक काल नहीं। इसकी निर्दिष्ट दिशा उदीची है, प्राची नहीं। इसके अभीष्ट काल के संयोजक वियोजक तकनीक और यांत्रिकी हैं, ग्रह गोचर नहीं। इसमें दो राय नहीं कि वैज्ञानिक तर्क पद्धति ने मनुष्य और इसके जीवन की आदिमता की कूप मंडूकता से बहुत कुछ उबारा है और नित नए संधानों ने उसकी भौतिक दुरूहताओं को काफी सुकर बनाया है, किंतु दूसरी ओर उसकी महत्वाकांक्षाओं से उपजी अति यांत्रिकता के घमासान ने इतना कामकाजी, इतना निजी, इतना प्रकृति द्रोही और इतना उड्डयनशील होने को विवश किया है जैसे वास्तव में वह पृथ्वी का अनिवासी हो, उसे जंगल, नदी, पहाड़, जमीन सब कुछ लूट कर किसी और ग्रह पर चले जाने की हड़बड़ी हो। लेकिन उसके इस अभियान में एक ग्रह अभिरोड़े की तरह
अपवाद स्वरूप चमक रहा है। वह इतना तेजस्वी है अभी भी कि उस पर कदम रखने को कौन कहे, नजरें मिलाना भी मुश्किल है। वह अपनी प्यारी पृथ्वी के सौभाग्य की तरह अंतरिक्ष से चौकसी कर रहा है। वह पृथ्वी का निर्माता भले ही न हो, लेकिन उसे इस पृथ्वी को रहने योग्य अवश्य बनाया है। किसी के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक ऐसा अभाव अवश्य रहता है जिसके बगैर वह अपूर्ण रहता है, और इस अपूर्णता की प्रतिपूर्ति की कुंजी सदैव किसी दूसरे के पास ही होती है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, लेकिन यदि सुदूर अंतरिक्ष न होता, अंतरिक्ष में चमकता सूर्य न होता, सूर्य भी होता और वह मनुष्य की मुट्ठी में होता, तो शायद यह धरती महाश्मशान हो चुकी होती। अभी गनीमत है कि इतने आयत ब्रह्मांड को, प्रकृति के विस्तार और वितरण को निरंतर छोटा करने में भिड़ा आदमी पूर्ण काम नहीं हो सका है। मनुष्यकृत कोई भी उपग्रह अभी सूर्य के इर्द गिर्द तक फटकने के बारे में नहीं सोच सका है। इसे हम मनुष्य का दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य समझते हैं। कोई भी शब्द गढ़ने वाला उस महातेज भुवन भास्कर के अनंत पर्याय लिखकर पूरा भाषा भास्कर तैयार कर सकता है। कोई भी खिलाड़ी मन के मैदान में उसे वॉलीबॉल की तरह हाथों में उछाल या फुटबॉल की तरह किक कर सकता है। कोई भी कवि उसके अस्तवन में सूर्य शतक लिख सकता है। कोई भी ज्योतिषी उसे धनु से मकर पर, याम्यायन यम की दिशा से दक्षिण, याम्यायन से सौम्यायन की ओर मोड़ सकता है। लेकिन कोई भी ब्लैक होल अपनी महाप्रयोगशाला में सूर्य को ठंडा नहीं कर सकता। अंतरिक्ष से चौकीदारी करता सूर्य देख रहा है कि उसके द्वारा आवास योग्य बनाई गई धरती को महत्वाकांक्षा की लोलुपता उजाड़ने पर तुली हुई है। इसलिए वह इस राज से उस राज पर, उस राज से उस राज पर मीने सूर्य, कुंभे सूर्य, कन्यायाम सूर्य, सिंहे सूर्य होता हुआ मकरे सूर्य पर पहुंच रहा है। सूर्य जहां भी पहुंच रहा हो, लेकिन उसके चलते शिशिर की ठिठुरन घट रही है, नवोष्मा की आहट मिल रही है, दिन मान प्रलंब हो रहा है, कुहरे से धुमाई दिन बीत रहे हैं, अभीष्ट काल उपस्थित हो रहा है। वही अभीष्ट काल जिसे अपनी आस्था और विश्वास के चलते पितामह भीष्म ने महाप्रस्थान के पूर्व मृत्यु को भी प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य कर दिया था। यदि कभी प्रमाण कोई प्रमाण हो तो कुरुक्षेत्र के कवि दिनकर इसके साक्षी हैं। हाथ जोड़ मृत्यु खड़ी रही शास्त्र मानकर, हम तो मानते हैं, और हाथ जोड़कर मकर संक्रांत के इस नए सूर्य को नए विश्वास से नमन करते हैं, क्योंकि जिधर सूरज उगता है वही हमारी दिशा है, और जब से उगता है वही अभीष्ट काल, आप माने न माने, लेकिन मनुष्य के अपने संधान है तो प्रकृति के अपने रहस्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी इस बेहद महत्वपूर्ण निबंध के लिए। मित्रों, अभी हमने कवि का गद्य सुना, अष्टभुजा शुक्ल जी का यह ललित निबंध दिक और काल के बीच को सुना। किस तरह से यहाँ हमारी युगीन समस्याएं उपस्थित हुई, उपलब्धियां भी आईं, और इस काव्यात्मक और अनुभूत भाषा में विचार और सौंदर्य की कई परतें एकक कर हमारे सामने खुलती चली गई। इनके सूत्र शास्त्रों, परंपरा और आधुनिकता से जोड़ते चले जाते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कई तत्व यहाँ सहज ही उपस्थित हैं। काल और दिक की बदलती अवधारणा पर भी निबंधकार की नजर है। उत्तर आधुनिक काल में वैज्ञानिक पद्धति की भी लेखक अपने हिसाब से समीक्षा करता है। पृथ्वीवासी अपनी दृष्टि को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में कैसे समाहित करता चला जाता है, यह निबंध इसका भी सूचक है। कई जगहों पर आई मनोविनोद पूर्ण भाषा हमारे हृदय को गदगद कर जाती है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इस निबंध के साथ। एक बार पुनः अष्टभुजा शुक्ल जी का अभिवादन करता हूँ, उनका
धन्यवाद करता हूँ। हम लोग यह कार्यक्रम उन्हीं के आवास पर उन्हीं के इस शहर में कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और जो लोग आगे भी देखेंगे। धन्यवाद।